एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना दोस्तों, मात्र 2 इंग्रेडिएंट से बना के इसे हम रेडी करेंगे और ये आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल काला बना देगा। साथ ही साथ बालों में बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग आ जाएगा, बाल लंबे होंगे और मजबूत होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन है, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। तो दोस्तों, इसे हम बना के रेडी करेंगे लोहे के बर्तन में। वैसे आप किसी भी वेसल में बना सकते हैं, बट लोहे के बर्तन में बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक ग्लास ले लेना, कप ले लेना है। बेसिकली आपको एक कप यहाँ पे आंवला जूस ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है आंवला जूस तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ले लें एक कप पानी और उसमें डाल दें 2 चम्मच आंवला पाउडर, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब यहाँ पे मैं खास चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा काम करता है, ये है कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों, कोई भी अगर आप रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना बालों के लिए तो उसमें कॉफ़ी ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा काम करता है। आपके बालों पे एक डार्क कलर आता है, सिल्की एंड शाइनी बनाता है। वैसे कॉफ़ी तो हमारे फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे 1 चम्मच इतना कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। इन दोनों को बस अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि बिल्कुल भी अच्छी तरह से आपस में दोनों मिल जाए। अब हमें ट्रांसफ़र कर देना है इस लोहे के वेसल में। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें कुक करना है। थोड़ा जब रिड्यूस हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि उस टाइम में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से इसे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं आपको बता दूं, लोहे के बर्तन में अगर आप ये प्रोसीजर करते हैं ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। तो देखिए, धीरे धीरे बॉयल होने लगा है और ये कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। दोस्तों, ये जो रेमेडी है ना, इसे आपको हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाना है। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, आपके बालों पे बहुत अच्छा सा शाइनिंग आएगा, आपके बाल बाउंसी दिखेगी। तो देखिए दोस्तों, हाफ ये रिड्यूस हो गया है। तो आप चाहे तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं 2 चम्मच हीना पाउडर और उसके बाद एज अ पैक आप इसे लगा सकते हैं। नहीं तो इसे थोड़ा सा और रिड्यूस करना है और इसे ढक के 1 घंटे के लिए रहने देना है। 1 घंटे के बाद इसे आपको अपने बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। 1 घंटे के लिए बालों पे रहने देना है, फिर केवल और केवल नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। ये रेमेडी हफ्ते में आप 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एज वाले लोग लगा सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।